नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए आज योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में थे। रामगढ़ में उन्होंने विपक्ष से लेकर पाकिस्तान पर खूब जुबानी शोले भड़काए। योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर की सरजमी से पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है। साफ बता दिया है कि बस पाकिस्तान के पास पीओके चंद दिनों का मेहमान है। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? और देखिए, जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर के चुनावी रण के लिए जोर लगाया जा रहा है। तीसरे चरण में जम्मू की 24 सीटों पर मतदान होना है। जम्मू में आज सीएम योगी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। सीएम योगी ने जब माइक थामा तो बयानों की गूंज सीमा पार तक पहुंची। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बोलिए योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है और यही तो हलचल है पाकिस्तान में कि वहां पे 1 किलो आटा केले भी लाले पड़ रहे हैं। भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। ये 5 लाइन नहीं, वो पंच है जिसने सीमा पार पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का रक्तचाप बढ़ा दिया है। सीएम योगी चुनावी बुलडोजर लेकर जम्मू के रामगढ़ पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण का ये आखिरी राउंड। आखिरी दौर में सीएम योगी ने जो जोर लगाया, उस शोर से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी। पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, यह मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने पाकिस्तान की कुंडली में बैठे आतंक दोष पर चोट की हो, लेकिन माहौल चुनावी भी है, लिहाजा सीएम योगी ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के तार भी सीमा पार से जोड़े। क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर चुनाव में जम्मू बीजेपी के लिए वो सियासी बैटल है जहां बीजेपी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ घाटी में अपने दम पर कमल खिलाने की तैयारी में। जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है। आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान होना, 16 सीट कश्मीर रीजन में और 24 सीट जम्मू रीजन की। यही वजह है कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जम्मू के जिन सीमावर्ती इलाकों में सीमा पार से नापाक साजिश रची जाती है, सीएम योगी ने उसी पाकिस्तान के भविष्य पर बुलडोजर चला दिया। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है। एक तरफ जम्मू में योगी जमकर प्रहार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान और विपक्ष के कथित प्रेम की पिक्चर रिलीज कर दी है।
हालांकि जूनियर अब्दुल्ला ने भी जवाबी पलटवार में देर नहीं लगाई। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू कर लैंड बॉर्डर से उनसे इलू इलू करेंगे, करना चाहिए क्या? इस जम्मू कश्मीर में अब कोई आतंकवाद को वापिस नहीं ला सकता। अब्दुल्ला साहब हमें क्या डराते हो कि वापिस आएगा? ये अब्दुल्लाओं का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है। बीजेपी से तो हम और कोई उम्मीद करते नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं, वो कुर्बान नहीं होते। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। करीब 5 दिन बाकी हैं और तब तक बयानों के पंच यूं ही जारी रहने वाले हैं। लेकिन जनता किसे अपना पंच प्रधान बनाएगी, इसका पता 8 अक्टूबर को नतीजों के दिन पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।